हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी ट्यूब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं लिंक है, एनपीसीआई एंड डीबीटी से लिंक है या नहीं है, एनपीसीआई और डीबीटी क्या होता है, इसके कारण से क्यों नहीं हमारा फंड कहीं से आता है या नहीं आता है, इसका क्या वजह हो सकता है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे आपके अपने बैंक अकाउंट को कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है, और लिंक नहीं है तो कैसे उसको लिंक कराएं, क्या प्रोसेस है उसका, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और कहां जाके आप अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई को लिंक करा सकते हैं और कैसे लिंक करा सकते हैं, या आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं आप तक पहुंचे तुरंत। दोस्तों एनपीसीआई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है एनपीसीआई, ठीक है, और सर्च पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आप लिंक पे आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक लिंक मिल चुका है, इस वाले लिंक पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लॉगिन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आके आप एनपीसीआई स्टेटस को चेक कर सकते हैं या आप एनपीसीआई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक कंज्यूमर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भारत आधार सीडिंग इनेबल BSC, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बैंक में एनपीसीआई लिंक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर भरना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपसे आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर भरना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर आधार यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको बैंक में सीडिंग करना है या डी सीडिंग करना है, ठीक है। अगर आपको एनपीसीआई लिंक करना है यानी सीडिंग करना है, ठीक है, तो लिंक करना है तो यहाँ पे आपको सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे सीडिंग वाले पे, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर भर दिए जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी यहाँ पे आपका बैंक का नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बैंकों का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल 5 ही बैंक दिया हुआ है, कुछ बैंक कुछ दिनों में अपडेट हो जाएंगे, सारे बैंकों का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप 5 बैंकों का ही आप एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं अपने घर बैठे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट है यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सीडिंग टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। आप फ्रेश सीडिंग करना चाहते हैं यानी पहली बार सीडिंग करना चाहते हैं, आपका कोई भी बैंक सीडिंग नहीं है, एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो आपको फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। अन्यथा आप चाहते हैं कि आपका कोई दूसरे बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आप जानते हैं कि आपका बैंक अकाउंट या आपका बैंक अकाउंट पंजाब में लिंक है एनपीसीआई, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप मूव पे क्लिक करेंगे, दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मूवमेंट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में ये बताया जा रहा है कि आपका एक ही बैंक अकाउंट में 2 खाता खुला है, ठीक है। तो एक बैंक से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना है, अगर एक खाते से दूसरे में ट्रांसफ़र करना है एनपीसीआई को, तो ये तीसरा वाले ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको पहली बार सीडिंग करना है तो यहाँ पे फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे दोनों में अपना बैंक अकाउंट बारी बारी से कंफर्म डाल देंगे, और यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे चेक लगा देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे चेक लगाने के बाद यहाँ पे आपको आपको कैप्चा कोड भरना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका एनपीसीआई सक्सेसफुल हो जाएगा,
इस तरह से आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन में आप अपने बैंक को NPCI से लिंक कर सकते हैं, DBT को लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।